सऊदी अरब की धरती पर इस्लाम का जन्म हुआ, इसलिए मक्का और मदीना जैसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थल उस देश में स्थित हैं। व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा मक्का और मदीना को अल मदीना अल मुनव्वरा के नाम से भी पहचाना जाता है। मक्का में पवित्र काबा है जिसकी परिक्रमा कर हर मुसलमान धन्य हो जाता है। यही वह स्थान है जहां हज यात्रा संपन्न होती है। इस्लामी तारीख के अनुसार 10 जिलहज को दुनिया के कोने कोने से मुसलमान इस पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं, जिसे ईद उल अजहा कहा जाता है। मक्का पहुंचने के लिए मुख्य नगर जेदाद है। ये नगर एक बंदरगाह भी है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग का मुख्य केंद्र भी। जेदाद से मक्का जाने वाले मार्ग पर ये निर्देश लिखे होते हैं कि यहाँ मुसलमानों के अतिरिक्त किसी भी धर्म का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। अधिकांश सूचनाएं अरबी भाषा में लिखी होती हैं, जिसे अन्य देशों के लोग बहुत कम जानते हैं। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का के बारे में कहते हैं कि यमकेश्वर महादेव का मंदिर था। वहाँ काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में अब भी वहाँ पर मौजूद है। हज के समय काला पत्थर कहकर मुसलमान उसे ही पूजते और चूमते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति में शिव के साथ गंगा और चंद्रमा के रिश्ते को भी अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ भी शिव होंगे, पवित्र गंगा की अवधारणा निश्चित ही वहाँ मौजूद होंगी। काबा के पास भी एक पवित्र झरना पाया जाता है, इसका पानी भी पवित्र माना जाता है। इस्लामिक काल से पहले भी इसे पवित्र माना जाता था। आज भी मुस्लिम श्रद्धालु हज के दौरान इसे आबे जमजम को अपने साथ बोतल में भर कर ले आते हैं। ऐसा क्यों है कि कुंभ में शामिल होने वाले हिंदुओं द्वारा गंगाजल को पवित्र मानने और उसे बोतलों में भरकर घरों में ले जाने और इसी प्रकार हज की इस परंपरा में इतनी समानता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हमारी माने तो ये एक महज सुंदर इत्तेफाक है, इसे हम तोड़ मरोड़ रहे हैं। कानूनी तौर पर मक्का और मदीना शरीफ के पवित्र नगरों में गैर मुस्लिमों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इस्लाम के दो नगर मक्का और मदीना किसी सैनिक छावनी के समान महत्वपूर्ण और पवित्र हैं। इन नगरों में प्रवेश करने का उन्हें ही अधिकार है जो इस्लाम में विश्वास रखते हों। मक्का मदीना इस्लाम धर्म की प्रमुख पुस्तक कुरान की शुरुआत की भी मिसाल मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पावन धरती पर जो भी मुस्लिम आता है उसे जन्नत नसीब होती है।